केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच एक नया विवाद शुरू हो चुका है। दिल्ली के एलजी ने मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी। एलजी ने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की जांच पर एक्शन में देरी पर रिपोर्ट मांगी है। विजिलेंस कमीशन ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में नए क्लासरूम बनाने में गड़बड़ी की बात कही थी। सीबीएसई ने 17 फरवरी 2020 को रिपोर्ट दी थी। एलजी ने सवाल किया है कि 2.5 साल से रिपोर्ट पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया। क्या यह मामला अब एक नए विवाद की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है? आबकारी भ्रष्टाचार को लेकर पहले से ही भारतीय जनता पार्टी कई सारे आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगा रही है। उन सबके बीच में एलजी के रोल को भी सवालों के घेरे में खड़ा किया और अब एक नया मामला। पुलकित हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पुलकित, क्या पूरा मामला है और इसके आने वाले समय में क्या कॉन्सिक्वेंसेस नजर आते हैं? देखिए, 2019 में बीजेपी और कुछ और लोगों की तरफ से शिकायत की गई थी कि दिल्ली के अंदर जो स्कूल के कमरे बने हैं उनमें धांधली हुई है, ये शिकायत की गई और आरोप लगाया गया। उसके बाद में सीबीएसई की जांच हुई और इसके बाद अब उपराज्यपाल की तरफ से कहा गया है कि 2.5 साल की देरी इस पूरी जांच में अभी तक क्यों हुई है और क्यों इसमें इतना लंबा वक्त लग रहा है। जब शिकायत 2019 की है, 2020 में ये मामला सीबीएसई के पास गया, तो क्या वजह है कि इस पूरे के पूरे मामले में अभी तक देरी हुई है, इसके ऊपर उपराज्यपाल ने जवाब मांगा है। साथ ही अगर हम समझें तो ये कहा जा सकता है कि दिल्ली के जो डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया पर एक दूसरा सिकंजा भी कसता हुआ दिखने लगा है। पहले एक्साइज पॉलिसी को लेकर बीजेपी, आम आदमी पार्टी, उपराज्यपाल ऑफिस, तमाम जगहों पर टकराव की स्थिति थी और अब दिल्ली में जो स्कूल में कमरे बनाए उसे लेकर भी अब मनीष सिसोदिया पर दूसरा सिकंजा कस सकता है। जी ठीक है पुलकित, लेकिन बड़ी बात यह है कि इसी शिक्षा नीति को दरअसल आबकारी घोटाले के सामने रखा गया था। अब इसमें गड़बड़ी को लेकर जब सवाल उठाए जा रहे हैं तो आम आदमी पार्टी क्या कहती है और कैसे तमाम पॉलिटिकल रिएक्शन सामने आते हैं, देखने वाली बात है। पुलकित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।